सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। वीडियो में बात करने वाले हैं अलबूस यादव के बारे में। जैसे कि साथ ही आप सभी को पता है कि अलबूस यादव को हो चुकी है जेल स्नेक वैनम केस के बारे में। और आपको ये भी पता होगा कि अलबूस यादव के जेल जाने के बाद उनके माता पिता बहुत सारे न्यूज़ चैनलों पर इंटरव्यू देते हुए नजर आए थे, और इन्हीं इंटरव्यू के कारण उनके माता पिता को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि न्यूज़ एंकर उनके साथ बहुत ही अजीब से रूड से सवाल पूछ रही है, जिससे उन्हें रोना आ रहा है। और आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे न्यूज़ चैनल ऐसे ही सवाल पूछ रहे हैं, तो इसी के सपोर्ट में बहुत से लोग उनके लिए कह रहे हैं। तो कृति मेहरा ने भी एक स्टोरी लगाई है जिसमें कहा है कि तमीज़ से न्यूज़ कवर करनी आती तो 161 पर नहीं होते, सच बोलने की हिम्मत कब लाओगे, किसी के माँ बाप के सामने ऐसे टाइम बकवास करते हो, शीशे में खुद से नज़र कैसे मिला पाओगे, लाख पढ़ाई कर लो। इसी तरह जो ऐसे आपको बता दें, लक्ष्य चौधरी ने भी कहा कि दिस एबीपी एंकर रूड मीन, मतलब बहुत सारे यहाँ पर कह रहे हैं कि बहुत सारे न्यूज़ एंकर ऐसे ही सवाल पूछ रहे हैं भाई इस टाइम पर, तो ये बहुत गलत है। आपने भी देखा होगा कि उनकी न्यूज़ में कैसे कैसे उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं, और उनके माता पिता रोते हुए भी आपको नजर आ रहे हैं। तो वहीं पर बात करें रैंडम सेना के बारे में, तो रैंडम सेना भी एलविस की सपोर्ट में आ गई है, और रैंडम सेना के एंकर ने क्या कहा है, जरा देखिए ये क्लिप। महादेव से इतना प्रार्थना करूंगा एलविस भाई जल्दी आ जाए, और जितने भी आरोप है निराधार साबित हो, और धर्म के रास्ते पे चले, जातिवादी पे नहीं चले, पैसे का घमंड ना हो, और अपने जो आसपास हैं जो उनको टुकड़ों पे पलते हैं, या तो उनको समझाए कि भाई अपना बन के चल। मैक्सन वाले लड़ाई में कटारिया भाई सबसे कोने में दुबक के खड़े हो गए थे, लेकिन ये इनके कल्ट फैन पेजेस को नहीं समझ में आता है। इन कल्ट फैन पेजेस को इतनी औकात नहीं है, हिम्मत नहीं है बोलने की कि भाई तू किस टाइप का, मैंने मतलब मैं अब तो मुंह खोल के बोल सकता हूँ, ये लोग जो तीन चार लोग हैं ये उसको मैनेजर नहीं बनाने देते हैं एल्विश को, ताकि मैनेजर अगर बन जाएगा तो इनका पैसा कट जाएगा। मैंने स्टार्टिंग में इसको ये भी बोला था कि एल्विश एक प्रॉपर मैनेजमेंट क्या चीज नहीं बताया, क्या चीज नहीं सजेस्ट किया भाई को, लेकिन सब कुछ नजरअंदाज कर दिया गया। अभी भी टाइम है भाई, आइए नए सिरे से शुरुआत करिए, मैनेजमेंट टीम रखिए, देखिए कि किस चीज से आपके दूसरे को भावनाओं नहीं आहत होता है, ये सब चीज देखिए और अपना जिंदगी जिए। आपने बहुत हिंदुत्व का समर्थन किया है नो डाउट, लेकिन आप अगर भटके हैं तो आप सही रास्ते पर चलिए, और मैं इस चीज का आश्वासन देता हूं भाई, मेरी कभी भी जरूरत पड़ेगी मैं खड़ा रहूंगा हमें। तो साथियों क्लिप तो आपने देख लिया, तो क्या आप भी एलविस यादव की सपोर्ट में है, कमेंट में अपनी राय जरूर रखिएगा, और एलविस यादव को जल्द ही रिहाई मिले हम भी यही कहते हैं।